राम प्रसाद जी बोले। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, सम्मानित सदस्य महानुभाव, आज सदन में हमें बोलने का मौका दिया है उसके लिए अध्यक्ष महोदय का लाख लाख जोहार। इस अनुसूचित क्षेत्र में क्षेत्र से आया हूं जो आदिवासी बाहुल इलाका है। 70 साल बाद भी आदिवासियों की गांव में हालत बहुत नाजुक है और खास तौर से हमारे महामहिम राज्यपाल महोदय ने अनुसूचित क्षेत्र के संदर्भ में एक शब्द भी नहीं बोला है, गंभीर बात है। मैं पूर्व सरकार भारतीय जनता पार्टी की, जिसने आदिवासियों के खिलाफ जिस तरह से अत्याचार और आदिवासियों का दमन किया, वहां पे डूंगरपुर जिले के सागवाड़ा में पूरे अनुसूचित क्षेत्र के अंदर इन्होंने ये जो सफेद फाटा पर देखते थे उसको भी अंदर बंद करते थे और हमारे लोगों को जबरदस्ती बंद किया, मीटिंग वगैरह करने से रोका। और साथ में ही इन्होंने आसपुर के अंदर तलवारें चलाई और हाथ पैर काटे, इनका इतना गुंडागर्दी दिखाई वहां पे, जिसकी मैं भर्त्सना करता हूं। और साथ में ही कांग्रेस भी बराबर की जिम्मेदार हो गई क्योंकि वो विपक्ष में थी और हमारे आदिवासियों के खिलाफ जो अत्याचार हुआ उसके खिलाफ कुछ बोली नहीं। मैं इस मौके पर सदन में हमारे जो कर्ज माफी का जो सरकार द्वारा किया, उसमें जिस तरह से घोटाले उजागर हुए उसमें तो निश्चित रूप से कुछ न कुछ कार्रवाई होगी, ऐसा मानता हूं। लेकिन इसके दौरान हमने देखा है कि वास्तव में ये जो कर्ज लेते हैं वो तो कोई न कोई सक्षम होते हैं या अपनी पहुंच वाला होता है, लेकिन गांव के अंदर ऐसे व्यक्ति भी हैं जो बहुसंख्यक हैं, जिनकी कोई पहुंच नहीं है। उन लोगों को जो जेवर और जमीन बेच के, जेवर और जमीन गिरवे रख कर है और 10% 15% ब्याज की दर से जिन्होंने कर्जा लिया है, तो मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं आपके माध्यम से कि ये जो कर्ज माफी योजना है उसके अंदर बढ़ा करके ये ऐसे लोग जो हैं जिनका जमीन और जेवर गिरवे रख के कर्जा लिया है, उस कर्जों को भी इसमें शामिल किया जाए। और हमारे ग्रामीण इलाकों में आज आदिवासी क्षेत्र अनुसूचित क्षेत्र के अंदर पानी की कोई कमी नहीं है, लेकिन आज ये जो माही कैनाल शुरू किया वो आज 20 साल हो गए लेकिन आज टेल तक पानी नहीं पहुंचा है। तो अब हम जानना चाहते हैं कि ये पानी का, माही कैनाल का पानी कब तक टेल तक पहुंचेगा। साथ ही ये जो सिंचाई जो अलग अलग गांव में लिफ्ट के द्वारा, क्योंकि कडाना डैम पास में बना हुआ है तो सौर ऊर्जा से लिफ्ट वगैरह करके हर गांव में सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध कराया जाए और पीने की पानी की समस्या जो गांव में अंदर बनी हुई है वहां पर फिल्टर पानी लगा करके हर गांव में, हर राजस्व गांव में पानी उपलब्ध कराया जाए। ये हमारी आपके माध्यम से सरकार से निवेदन है। आज हमारे इलाके में जो प्राथमिक शिक्षा है उसका स्तर बहुत ही नीचा है क्योंकि वहां गांव में जो स्कूल्स हैं उन स्कूल के अंदर जो बच्चे होते हैं उन बच्चों के केवल एक या दो अध्यापक होते हैं और 5 क्लासेस संभालनी पड़ती है। तो यदि वास्तव में सरकार की मंशा है कि गांव में शिक्षा का स्तर ऊंचा उठाया जाए तो निश्चित रूप से कम एक प्राइमरी स्कूल जो है उसके अंदर 5 से 6 अध्यापक होना चाहिए कि एक अध्यापक कम से कम कोई छुट्टी पे हो, आगे पीछे हो, तो इसको रिलीव कर सके। इसलिए मैं आपके माध्यम से सरकार से ये अनुरोध करता हूं कि गांव की जो प्राइमरी स्कूल्स हैं, स्कूल कॉलेज और जो भी स्कूल्स हैं उसके अंदर पूरा स्टाफ जो है उसकी व्यवस्था की जाए। और खास तौर से ये जो जिस तरह से
प्राइमरी स्कूल्स में अध्यापकों ऊपर जो सरकार का जो भी वजन है उसको भी उसको डाइवर्ट करके कम किया जाए। धन्यवाद। समाप्त करें माननीय सदस्य साहब, मेरे को तो बोलना रह गया ना। वो आपका समय जितना पार्टी का है मैं बहुत ज्यादा दे दिया समय, समाप्त करें कृपया। तो मैं खास तौर से ये अनुसूचित क्षेत्र के अंदर हमारे शेड्यूल एरिया में जो पांचवी अनुसूची है जो आदिवासियों के कल्याण और उन्नति के लिए उस इलाके में लागू है लेकिन पूरी तरह से लागू नहीं है। और उसके खास तौर से जजमेंट जो रामकृपाल बनाम बिहार सरकार जिसके अंदर आदिवासी इलाके में शेड्यूल एरिया में सीआरपीसी आईपीसी लागू नहीं होती है लेकिन वो पूरी तरह से आज तक सुप्रीम कोर्ट का फैसला है वो 69 में हुआ था लेकिन आज तक उसका लागू नहीं हुआ। और मैं जो शेड्यूल एरिया में समता बनाम आंध्र प्रदेश सरकार जो 1997 में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि न तो केंद्र सरकार न राज्य सरकार और न ही नॉन ट्राइबल की एक इंच जमीन है उस इलाके में, ये जो फैसला आया सुप्रीम कोर्ट का वो आज तक कोई लागू नहीं हुआ। और जोधपुर हाई कोर्ट में जो 2013 में जो नौकरियों में लगी थी उसको जो खारिज हुआ वो उसी आधार समता जजमेंट को आधार मान करके उसको खारिज किया गया। इसलिए मैं खास तौर से जो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट है पी रामारेड्डी इब्राहिम आंध्र प्रदेश सरकार जिसके अंदर आदिवासियों की जमीन न तो रूपांतरण हो सकते ना हस्तांतरण रूपांतरण नहीं हो सकता, पूर्ण प्रतिबंध है। तो ये जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले आए हुए हैं उसको आज तक ना लागू नहीं किया गया। और साथ में ही वेदांता जजमेंट जिसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने यह बोला था कि आदिवासियों की रूढ़िगत जो परंपरा है उसकी जो व्यवस्था है उसको विधि का बल प्राप्त है, तो आज तक इसको जो हमको ग्रामीण इलाकों में लागू नहीं करके इस सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का अपमान किया है। और साथ में ही मैं अनुच्छेद 13(3) का जिसके अंदर आदिवासियों की रूढ़िगत परंपरा है उसको विधि का बल प्राप्त है, तो ये जो हमारी खास तौर से जो शेड्यूल एरिया की मांग थी वो मांग हमारी पूरी नहीं हुई है। और जिस तरह से राजनीति में 100% आरक्षण है वैसा ही नौकरियों में भी हमें ऐसा ही पांचवी रुचि की भावना के अनुरूप हमको आरक्षण दिया जाए, यही बात के मैं अपनी बात खत्म करता हूं। जय जोहार, जय आदिवासी, जय बिल प्रदेश, जय जोहार भीम, जोहार सलाम और जोहार नमस्ते। धन्यवाद। जय भारत। छगन सिंह जी धन्यवाद।